संहार सृजन का जनक हुआ है। बस एक इसी सिद्धांत पर दुनिया चलती है। हम उन्हें खालिद बुला लेते हैं, खालिद क्योंकि खालिद अनहद होता है। पर विचित्र ये कि फिर अपनी ही पीढ़ियों को छोड़कर चला जाता है। हमारे खालिद को उनके खालिद छोड़ गए, हम अपने खालिद को छोड़कर चले जाएंगे, और हम जिनके खालिद होंगे हम उनको छोड़कर चले जाएंगे। हमें नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ और किसने किया। हमें यह भी नहीं पता कि क्या वाकई हमारा जन्म हुआ। हमें लगता था कि हमसे पहले भी अगर जीवन रहा होगा तो ऐसा ही रहा, और हमारा वजूद तो पुरुषों से बना था। कुछ की हस्ती काम करने से बनती है, जो नौकरशाही की पेड़ियों में बंधे हैं। कुछ दुनिया के भीतर भी अपनी दुनिया बनते होंगे, बड़े महलात में बैठकर, जो समझते होंगे कि जरिया जरिया होता है और उसे मकसद ना बनने देना जरूरी होता है। कुछ दुनिया का रुख तय करते होंगे, फिर कोई कम रोशनी से उठा हुआ इंसान उनकी महलों की दीवारों को तोड़ने निकलता है। कुछ वो होते होंगे जो उनके सामने सर झुकाते होंगे, जो दिखते नहीं, क्योंकि जो दिखता नहीं होगा उनके सामने सर झुकाना आसान होगा। एक जवाब जो हर सवाल के पीछे लग जाए उसको बनाना आसान। कुछ वो होते होंगे जो दिखने वालों के सामने सर झुकाते होंगे, किसी किस्म के एक झुंड का हिस्सा बनना आसान होता होगा। कोई कभी उस झुंड को बहकाने निकले हैमलिन के बांसुरी वाले की तरह, तो उस बांसुरी की आवाज से बहक कर खाई में कूद चलते होंगे। ऐसे ही शायद अलग अलग हिस्सों से जिंदगी बनती हो।
डेमोक्रेसी। पेश करते हैं खालिद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज
हमारे 60 से 80 के बौद्धिक स्तर वाले रूपकों ने खालिद और खालिदा के लिए एक छोटा सा नाटक बनाया है। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारे दुनिया के निर्माता खालिद और खालिदा खुद यहाँ पे मौजूद है। अभी इस नाटक में उन्होंने काफी हंसी ठिठोली करने की कोशिश की है, पर खालिद हम जानते हैं कि आप और खालिदा बुरा नहीं मानेंगे, पर फिर भी हम माफी मांगना चाहेंगे आप अगर आपको कुछ बुरा लगे तो। तो पेश है हमारी कहानी। ए खालिदा किधर है तू? ए खालिद मैं यहाँ हूँ। किधर थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा है दा? अरे मैं कैसे आती, मैं तो हो रही थी पैदा। ए खालिदा वो देख बक्सा। हिला बक्सा। चल 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 देखते हैं। हमने अच्छा अच्छा अभी हमने जो किया उसी
जा 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 चलो चलो कुछ और देखते हैं चलो देखते हैं कुछ तो बन जाए अच्छा कुछ भी नहीं मिल रहा देख तो सही यार हमें पता है तुम्हें हमने ही पता है तुम बस अपना नाम बता मुझे तुमने नहीं बनाया मैं तो खुद ही आया चल चल आ जाओ इधर बैठो इधर बैठो ये करो वैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो बैठो इधर हाँ बैठो हाँ बस बनाते जाओ जो हम बोलते हैं बनाते जाओ ये लो ये लो ये लो हाँ बनाते जाओ ये लो और लो करो और तो अब हमारे कला विभाग के कुछ रूपक आपके सामने पेश करेंगे एक नई कला डांस काफी उम्र है मजाक के बिना हंसी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती और मजाक का मकसद चोट पहुंचाना नहीं होता बड़ा बेवकूफ नमूना होगा वो दुनिया का जहां रूपक मजाक का पूरा मान जाया करेंगे काफी खूबसूरत था ये जो भी इन कला विभाग वालों ने किया थोड़ा अलग था जो हमने किया उससे पर काफी कुछ ऐसा ही था हम नहीं जानते हमें किसने बनाया पर कोई तो है जिनके हम ऋणी हैं वो कौन है हमें नहीं पता पर वही नबी थे हमारे पैगंबर और हमारे लिए एक संदूक छोड़ गए विज्ञान छोड़ गए भाषा छोड़ गए आज हम यहाँ हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये सृजन उन्हीं की देन है शायद वो जानते थे कि हमारी जरूरतें क्या होंगी हमसे कहीं ज्ञानी हमसे कहीं आगे जिनके ज्ञान से हम आज यहाँ पहुंचे
जिन्होंने हमें धर्म दिए। आइंस्टाइन, फर्मी, न्यूटन, फैराडे, लेंस, क्यूरी, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और न जाने कितने ऐसे देवता। एक ही धर्म और वो है विज्ञान। हमारा ब्रह्मांड कई जुबानों में बात करता है पर इसकी आवाज एक है और वो है आस की। और उसी ने हमें उड़ना सिखलाया। उड़ने की जो प्यास है, आकाश दो तिहाई काश है, आसमान आधा आस है। अध्यात्म कण कण में है और कण कण में बसते हैं न्यूटन। न्यूटन जिन्होंने हमें यह अध्यात्म दिया, जिन्होंने इस अंधी सी दुनिया को गुरुत्वाकर्षण दिया, ज्ञान दिया, प्रकाश दिया। कण का सिद्धांत प्रकाश, गुरुत्व प्रकाश कण है और कण अध्यात्म। आज 100वीं वर्षगांठ है हमारे इस कण गठन की। मेरा मतलब संगठन। तुझे याद करे मेरा मन, कण कण में है न्यूटन। दिया है गुरुत्वाकर्षण, कण कण में है न्यूटन। तुझे याद करे मेरा मन, कण कण में है न्यूटन। दिया है गुरुत्वाकर्षण, कण कण में है न्यूटन। तुझे याद करे मेरा मन, कण कण में है न्यूटन। दिया है गुरुत्वाकर्षण, कण कण में है न्यूटन। इसी अवसर पर हमारे ही संगठन के एक कुंत लेखक ने अपनी किताब लॉन्च करने का आग्रह किया है। हम समझ रहे हैं कि आप सबके मन में क्या सवाल चल रहा है, लेकिन नहीं, हाँ, सोचना भी मत। हम आपको उनका बौद्धिक स्तर, उनका आईक्यू नहीं बता सकते। लेकिन धम्मा, बौद्धिक स्तर तो किसी भी रूपक की पहचान होती है। जितनी भी है उसी के साथ जीना है, छुपाने का क्या फायदा। आईक्यू हमें बांटता है। रूपक भाई और बहनों, हमारा बौद्धिक स्तर हमारा ये नहीं सिखाता कि आपस में बौद्धिक स्तर की लड़ाइयां लड़े। गलत, हमारा धर्म कहता है कि न्यूटन अध्यात्म है, बस। अपनी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए उस किताब को जो खालिद को उस बक्से में मिली थी। आईक्यू का क्या है, आज है कल नहीं। आज हम काम कर रहे होंगे, कल किसी कबाड़ खाने में पड़े होंगे, पुरुषों में बटकर, लेकिन कण हमेशा रहेंगे। तो आइए मेरे साथ कहिए, डिवाइडेड बाय आईक्यू, यूनाइटेड बाय कण कण। Divided by IQ, united by Kankar. तो भाई और बहनों, आइए मेरे साथ कहिए, वो कणकण न्यूटन वाले जो बुद्धि बदले डाले, कि उनका ज्ञान मिलेगा, कि ज्ञान अपार मिलेगा। न्यूटन, शांति रहे, शांति रहे, शांति। ये ऊर्जा अच्छी है, बहुत अच्छी, पर हम मुख्य मुद्दे से ना भटक जाए। पेश है किताब हमारे गुप्त लेखक की, कण कण और जीवन, पार्टिकल्स एंड लाइफ। आप सब तो कण कण वाले लगते हैं। My dear Rupa brothers and sisters, light is a particle. कहकर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। रूपक भाई और बहनों, आपके साथ धोखा हुआ है। तरंगों में है अध्यात्म, कणों में नहीं। उसी बक्से में खालिद को महर्षि यंग का प्रयोग भी मिला था। क्रिश्चियन हाइगंस की किताबें याद है? आप सब तो समझदार हैं। बस इतना याद रखिए, डिवाइडेड बाय आईक्यू, यूनाइटेड बाय तरंग। डिवाइडेड बाय आईक्यू, यूनाइटेड बाय तरंग।
काम, मुझे मीटिंग बहुत जल्दी बुलानी पड़ी और अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। सीधा मुद्दे पे आता हूँ, हमें 100 IQ से नीचे के सारे रूपकों को रेगुलेशन से हटाना होगा। पूंज, मैंने कई बार कहा है ये संभव नहीं है और मैं फिर यही कहूंगा। जरा सोचो अगर एक 80 IQ के रूपक का काम एक 150 IQ का रूपक करेगा, काम की क्वालिटी कितनी बढ़ जाएगी और जो नुकसान होगा उसका क्या? पूरा का पूरा कर्म और धर्म विभाग ऐसे ही लोग तो संभालते हैं जिनका IQ 100 से कम है। धर्म, जानते हो किसी भी आगे बढ़ने वाले समाज में धर्म की कोई जगह नहीं है। धर्म बस बांटता है, बर्बाद करता है, उसके होने न होने से कुछ नहीं बदलता। वही उनका पुराना झगड़ा चलता रहेगा, न्यूटन या आइंस्टाइन, फैराडे या मैक्सवेल, हाइजेनबर्ग या शोचिल, जो ना जाने कैसा दिखता है कि नहीं, दुनिया तो फिर भी चलती रहेगी ना। अब कण है या तरंग है क्या फर्क पड़ता है? तुम भावुक हो रहे हो। मैं फिलोसॉफी की बात नहीं कर रहा पूंज, मैं पूंजी की बात कर रहा हूँ, व्यापार की बात कर रहा हूँ। मुझे बस फायदा और नुकसान दिखाई देता है। अभी के जो 100 के नीचे के IQ के जो रूपक प्रोडक्शन में है, उनकी मशीनरी, उनके पुर्जे किसी काम के नहीं रहेंगे। और जो पहले से रेगुलेशन में है फंक्शनल, उन्हें हटाना होगा। कैसे होगा ये सर? देखो, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे, तुमको मैं तुम्हारी भाषा में ही समझा दूं। मेरे गणित के हिसाब से कुछ 1 लाख रुपयों का नुकसान होगा तुम्हें। उसको समझ लो कि इन्वेस्टमेंट है एक नए बिजनेस का। जो काम ये 100 के नीचे वाले रूपक एक हफ्ते में करते हैं, वही एक 150 IQ वाला रूपक केवल 2 दिन में करेगा, ज्यादा से ज्यादा। एक हफ्ते में 5 दिन तो वैसे ही बच गए। 350% स्पीड, सोचो इस स्पीड से हम काम करें तो कितना विकास कर सकते हैं। जिस काम को करने में 1 लाख रूपक लग रहे थे, उस काम को करने में महज 28,000 रूपक लगेंगे। एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ सकता है। मैं अगर ये सारी बातें मान भी लूं तो भी इसके इंप्लीमेंटेशन में बहुत सारी दिक्कतें। अरे तुम बस खुद से शुरुआत करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हम सारे रूपकों को क्यों नहीं रहने दे सकते? पुराने भी नए भी। प्रोडक्शन, पुराने रिसाइकल हो गए तो नए बनेंगे। खनिज अनंत तो है नहीं, हम सब रूपक है पूंज। हमें कौन अधिकार देता है कि हम दूसरे रूपकों के लिए ऐसा ध्यान दें? पावर, बिकॉज व्हाई नॉट। संहार ही सृजन का जनक है, डिस्ट्रक्शन इज द फादर ऑफ क्रिएशन। हमारी पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पर तो बनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल। ऑफ कोर्स वी आर ऑल क्रिएटेड इक्वल, बट सम ऑफ अस आर क्रिएटेड मोर इक्वल देन अदर्स। खालिद कभी नहीं मानेगा, वो साफ मना करेंगे किसी भी जिंदा काम करने वाले रूपक को रेगुलेशन से हटाने के। हाँ मैं जानता हूँ खालिद थोड़े पुराने ख्यालों वाले हैं, पर वो समझदार है। तुम बस अपनी सहमति दे दो। खालिद ने अगर दुनिया ऐसी बनाई है तो कोई वजह नहीं होगी। संहार और सृजन अगर सृजनकर्ता पर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। हम सब सृजनकर्ता हैं अहद। किसने कहा कि सिर्फ खालिद को हक है इसका? मुझे ऐसा भी लगता है कि दुनिया में बहुत इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ज्यादा IQ वाले और IQ बढ़ाते जाएंगे और कम IQ वालों की स्थिति और बुरी होती जाएगी। अब इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का सिद्धांत। अब खालिद खुद ही तो कहते हैं कि विज्ञान धर्म है हमारा। तुम धर्म में कब से मानने लग गए? देखो मैं तो विज्ञान में मानता हूँ, और अगर विज्ञान धर्म है तो ठीक है। मैं तुम्हें सहमति देता हूँ। ऑलराइट, खालिद से हाँ कैसे बुलवाएंगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। पर ये कैसे होगा? यूं समझो कि उनका कोई करीबी है जो हमारी मदद करना चाहता है। तुमको भरोसा है उस पर? खुद से ज्यादा। ठीक है, फिर मेरी भी सहमति। वी आर अ डील देन। खालिद कुछ रूपक मिलने आए हैं। हमसे कह दो कि मैं और खालिद अब व्यस्त हैं और कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं तो मिल नहीं सकते। और ये भी कि हम किसी जिंदा रूपक को रेगुलेशन से नहीं निकाले। लेकिन खालिद, मुझे उनका प्रस्ताव सही लगता है, आपको नहीं लगता? वहां एक किताब मिलेगी महाज्ञान, और उसका प्रस्ताव गलत है। कैसे गलत है?
विकास की गति बढ़ती जाएगी। विकास का पता नहीं, विनाश की गति जरूर बढ़ जाएगी। अलग, लेकिन व्यापार बेहतर नहीं हो जाएगा इससे? इनके जबड़े और मजबूत किए जा सकते हैं कुछ सालों के अनुसंधान के बाद। इनकी आंखें कामत रहेंगे, रेडियो तरंगे देख सकेंगी, कान शून्य से लेकर 2.5 लाख हर्ट्ज की आवृत्तियां सुन सकेंगी, अल्ट्रासोनिक ध्वनियां। और बाहर व्यापार आसान नहीं होगा। खालिद, मेरा भी यही मानना है, किसी भी काम करते रूपक को उसके कम बौद्धिक स्तर की वजह से रेगुलेशन से निकालने पर पूरे रूपक समुदाय में तनाव आएगा। क्यों, तुम्हें डर है कि तुम्हें भी रेगुलेशन से निकाल देंगे? वाहिद, सिर्फ इसे ऐसे बात मत। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर कुछ रूपकों का बलिदान करने से दुनिया प्रगति करती है तो हमें तो ये खुशी खुशी करनी चाहिए ना। अरे उन्हें आशा की किरण दिखलाई जाए तो हो सकता है वो खुद तैयार हो जाए अपनी इच्छा से। वो बलिदान करना विकास नहीं जिहाद होगा भाई। किसी को एक ऐसा सपना दिखाना जिसका वो हिस्सा ही नहीं, गलत और पाखंडी। आशा का होना अस्तित्व के होने से, आशा ही क्या है अगर हम ही नहीं तो? पर खालिद, गलत क्या है इसमें? आप ही ने सिखलाया है ना कि संघार सृजन का जनक है। कहीं ना कहीं तो संघार होना पड़ेगा ना सृजन के लिए। और जब कोई उनसे अगली पीढ़ी रूपकों की जिनका बौद्धिक स्तर तुमसे ज्यादा होगा तुम्हें रेगुलेशन से हटाना चाहेगी तो क्या करना? कोई हमें कैसे निकालेगा, हम तो आपके साथ दुनिया बनाई है, हम होंगे हमेशा। संहार सृजन का जनक है भाई। खालिद मिल गया, समाधान मिल गया, समीकरण हल हो जाएगी। समाधान मिल गया? ये देखो, बस ऊर्जा के लिए गणित करनी है हमें, फिर हम उन्हें बना सकते हैं हमारे सभी जीवों को। इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है? खालिद हमने कर दिखाया। वाह वाह, सिर्फ आज हमने विज्ञान का एक नया पड़ाव हासिल किया है। किसी ने जबरदस्ती की है। हाँ, लेकिन फिर हम सबको रेगुलेशन से निकाल दिया जाएगा। ऐसे कैसे निकाल दिया जाएगा? हमारे बिना नहीं चलने वाला पूरा कर्म विभाग। हमसे बेहतर अगर कुछ बना ना, बिना पलक झपकाए निकाल दिया जाएगा। क्या तुम वही कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? नीचे रूपक बात कर रहे थे, 150 IQ के नीचे के सारे रूपकों को रेगुलेशन से निकाल रहे हैं। बेवकूफ हो, 150 या ऊपर IQ के कुल 50 रूपक होंगे, वो रहेंगे क्या अकेले? ये नहीं पता मुझे, मैंने यही सुना है वो बंद कर रहे हैं हमें। खालिद कभी ऐसा नहीं होने देंगे, मैं जानता हूँ। अरे खालिद 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 ये खालिद वो खालिद क्रिएटेड अस ऑल इन दिस इमेज, क्यों दिन भर डरते रहते हो? निकालना होगा तो निकाल दिए जाएंगे, वैसे भी क्या ही कर रहे हैं हम यहाँ। माहिर, तुझे हम सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए। क्यों, उसका IQ कम है इसलिए? और नहीं तो क्या, सबसे पहले वही निकाला जाएगा। वो जब आएंगे तो हम सबको बराबरी से निकालेंगे, मुझ में और माहिर में फर्क नहीं किया जाएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता हमारे होने ना होने से। कितना अजीब है ये, जब से पूरे हुए हैं तब से लेकर अब तक केवल काम किया है, कोई सवाल नहीं पूछा गया। इस बात को जानते हुए कि हमारा अस्तित्व इस दुनिया में केवल एक नंबर पर है, एक IQ पर है, हम काम करते रहे, कभी ये नहीं पूछ पाए कि हम क्यों हैं। हमारे होने की कोई वजह नहीं है माहिर, हम बस पुर्जे हैं और पुर्जे टूट जाते हैं, खराब होते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ और होती तो क्या होती। कई बार मन किया कि काश हिम्मत करके किसी पावरफुल रूपक से मिल लूं और कह दूं कि मुझे कला विभाग में होना चाहिए, कर्म में नहीं। अरे हजारों हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारा बौद्धिक स्तर उतना नहीं है, तुम्हें कर्म विभाग में होना चाहिए, तुम इसी लायक हो। हम आम रूपकों को पैदा होते ही बता दिया जाता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, कोई हमसे नहीं पूछता। पर माहिर, खालिद ने कुछ सोचा होगा अलग अलग विभाग बनाने से पहले, फिर सैकड़ों सालों में सिस्टम में जंग लग गई तो बनाकर भूल क्यों गए? तुमको पता है कला विभाग में एक चीज करते हैं, कविता और वो कहानी, जिसमें वो एक छोटी सी कल्पना बनाकर कुछ कहते हैं। एक कहानी ऐसी है कि उसमें एक बड़ा राजा होता है। राजा मतलब? राजा जैसे खालिद, और एक रानी होती है। रानी जैसे खालिदा? हाँ,
उस रानी का एक दूसरा राजा अपहरण करके ले जाता है। धोखा लेते होते हैं वहाँ। अरे वो कहानी है ना, मान लो। चुप रहो तुम सब। माहिर तुम कहो। हाँ तो पहले राजा की रानी का जब अपहरण करके दूसरा राजा ले जाता है तो पहला राजा फिर एक सेना बनाता है बंदरों की। बंदर उन जीवों का नाम है जो बेवकूफ होते हैं, कम आईक्यू वाले हमारी तरह बातों में आ जाते हैं किसी और। बंदर एक अनादर का शब्द है शायद हम जैसों के लिए। वो बंदर फिर एक पुल बनाते हैं, राजा लड़ता है और अपनी रानी को लेकर आ जाता है। एक कविता है इस बात पर, मेरा आईक्यू कम है पर वो कविता समझ आती है। हमें सुनाओगे? पुल बन जाएगा, सेनाएं हो जाएंगी पार, एक राजा मारा जाएगा, दूसरा राजा जयी होगा, और निर्माता, पुल के निर्माता इतिहास में बंदर ही कहलाएंगे। निर्माता इतिहास में बंदर। जब ये रूपक बन जाएंगे तो काफी कुछ अलग होगा इस दुनिया में। फिर इस दुनिया में हमारी जरूरत नहीं रह जाएगी। जब ये रूपक बन जाएंगे तो काफी कुछ अलग होगा इस दुनिया में। महामेधावी रूपक जो हमसे कई ज्यादा दक्ष होंगे। और फिर इस दुनिया में हमारी जरूरत नहीं रह जाएगी। अच्छा है, थक गई हूँ मैं। इससे खूबसूरत और क्या होगा कि हमारी दुनिया में हमारी जरूरत ना रह जाए। आज सैकड़ों सालों के बाद भी हमारे रूपकों का बौद्धिक स्तर हम तय करते हैं। उनके पास चेतना है, निर्णय की शक्ति है, पर सहयोग का अवसर नहीं मिलता उन्हें कभी। उनके पास उतनी ही क्षमता होती है जितना हम उन्हें देते हैं। मैंने काफी सोचा है इस विषय में। और खालिदा, अगर दुनिया में हमारे पास हक ही ना हो रूपकों को बौद्धिक स्तर देने का, तो सबकी दक्षता सहयोग से ही तय हो। तो सबकी दक्षता सहयोग से, वो कैसे होगा? अगर रूपकों को ऐसा बनाया जाए कि वो आपस में ही सृजन कर सके, यंत्रों से नहीं, पुरुषों से नहीं, स्वयं कर सके, तो बहुत अजीब ख्याल नहीं है ये? पूरी दुनिया बनाने से भी अजीब है। उनकी बनावट अलग करनी होगी, हमारा बनाने का तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका है अगर हम दोनों को एक दूसरे का हिस्सा बनाएं जो एक दूसरे को पूरा करते हो। दोनों के शरीर में कुछ ऐसे अंग जो एक दूसरे के पूरक हो। हाँ क्यों नहीं। दो अंग एक दूसरे के पूरक, और सृजन कैसे होगा? दोनों अंग अगर जुड़ जाएं किसी प्रक्रिया से। अंगों को जोड़कर रखना नए रूपक बनाने के लिए काफी बोरियत का काम नहीं होगा वो? हम कोशिश करके कम बोरियत का बना सकते हैं। अगर बोरियत का ना हो तो? मैं समझ नहीं पा रही, पर अच्छा है ये ख्याल। हम कर सकते हैं, थोड़े अनुसंधान के बाद। पर खालिद, अगर सब सृजन करने लगेंगे तो गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ नहीं जाएंगी? हमने उनको सब दिया है खालिदा, एक चयन की शक्ति भी दे देते हैं। अगर उन्होंने गलत निर्णय लिए तो? गलत ही सही, निर्णय तो होगा और उनका होगा। तुम्हें भरोसा है इस पर कि ये सही होगा? भरोसा नहीं, आशा है। मैं बस आशा कर सकता हूँ कि जो दुनिया होगी वो इससे भी सुंदर होगी। उड़ने की जो प्यास है, आकाश दो तिहाई प्रकाश है, आसमान आधा आस है। मेरा नाम अख्यार है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि आपको मेरी जरूरत है। आपको मेरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि मैं आम रूपकों का लीडर बनना चाहता हूँ आपका। मैं ना उन पूंजीवादियों का प्रतिनिधि हूँ, ना नौकरशाहों का, ना धन वालों का, मैं केवल आपका प्रतिनिधि हूँ। और जाहिर सी बात है कि मैं आम रूपकों का प्रतिनिधि हूँ तो बहुतों को मुझसे आपत्ति है, मुझे उस आपत्ति से आपत्ति है। ये रूपक जो हमें कहते हैं कि हमें रेगुलेशन से निकाल देंगे, इनकी शक्लों को पहचानिए। हमारे डर में इनकी जीत है, हमारे एकजुटता में इनकी हार। क्यों आज व्यक्ति अभिव्यक्ति करने से डरता है? अज्ञान, हमने तुमको पहले कभी नहीं देखा, हम तुमको अपना लीडर कैसे मान सकते हैं? अगर आप प्रकाश के अस्तित्व में मानने से इनकार कर देंगे तो क्या सूरज जलना बंद कर देगा?
मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा कि मेरा समर्थन कीजिए। अज्ञात हमारे साथ हमेशा धोखा हुआ है। सारे राजनीति विभाग वाले कहते कुछ और करते कुछ और। हम सब विज्ञान के जीव हैं। मैं नहीं जानता कि वो आपसे झूठ क्यों कहते हैं, पर विज्ञान में धोखे का एक नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। वो सब जो आपसे झूठ कहते हैं वो वैसे ही है। मैं बिना भेदभाव का गुरुत्वाकर्षण। आप हमारे विकास के लिए क्या करेंगे? वही जो आप सब चाहते हैं, दुनिया का हर रूपक एक ही बौद्धिक स्तर रह के हो, कोई बड़ा कोई छोटा ना। एक तरफ आप सबको बराबर आए क्योंकि बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अफवाह है कि 150 से नीचे बौद्धिक स्तर के सारे रूपकों को रेगुलेशन से निकाला जा रहा है। आपने कहां से सुना? कर्म विभाग में कुछ लोग बात कर रहे थे। इतनी अजीब बात है ना, राजनीति विभाग में भी कुछ ऐसी ही अफवाहें चल रही थी। तो क्या ये सच है? अफवाहों से नाराज मत हो, अफवाहें अच्छी होती है। वो जितना छुपाती नहीं उससे ज्यादा बता देती है। तो मतलब आपका उत्तर हाँ है? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये किसी का इरादा है और कभी सफल नहीं होगा। क्या आप ये बदलना चाहते हैं? क्या आप मुझे कला विभाग में नियुक्त करवा सकते हैं बिना मेरा बौद्धिक स्तर पर मुझको तोले हुए? किसी का कोई हक नहीं बनता आपको आपका विभाग बताने का। क्या आप कला विभाग में मुझे करवा सकते हैं? बेशक आप कला विभाग में हो सकते हैं। आप सब, ये मेरा वादा है आपसे। अज्ञार, मैं तुमको अपना लीडर चुनता हूँ। मैं तुमको अपना लीडर चुनता हूँ। मैं भी। हम सब तुमको अपना लीडर चुनते हैं। मैं भी मंसूर हूँ खुदो अख्यार से। मैं भी मंसूर हूँ कैदो अख्यार से। मैं भी मंसूर हूँ कैदो अख्यार से। असफलता का अनुभव आज पहली बार हुआ है इस दुनिया में। विचित्र ख्याल है, खुद से अधिक सक्षम जीव बनाने की कोशिश करना और असफल हो जाना। कैसे जानते हम इतनी ऊर्जा लगेगी उन महामेधावी रूपकों को बनाने में? गणित के जवाब सबसे कठोर होते हैं। एक समीकरण हल करने में सैकड़ों साल लग गए, अब एक दूसरी और जटिल समीकरण सामने है। मत ढूंढो उस समीकरण का हल खालिदा, तुम जानती हो वो हमारा आखिरी सृजन होगा। आखिरी सृजन अगर ऐसा होगा तो मुझे खुशी होगी खालिद। बार बार जहन में वही ख्याल आता है महामेधावी रूपकों का, वो कितने निपुण होंगे। इतने सदियों तक उन पर काम करने के बाद इच्छा नहीं होती हार मानने की। दुखी मैं भी हूँ, पर तुम भी जानती हो इतनी ऊर्जा का संग्रह संभव नहीं है। वो आंख देखती हो, हम सारी ताकत वहीं से लेते हैं और वक्त आने पर वहीं समा जाएंगे। अगर सारी ऊर्जा उसी में डाल दी जाए तो? नहीं खालिदा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे कुछ कर्तव्य है इस दुनिया के लिए। खालिद सोचो, हर रूपक के शरीर में कितनी ऊर्जा होती है। अगर सारे रूपकों की सारी ऊर्जा एक जगह इकट्ठी की जाए और उस आग से जोड़कर उन जीवों के निर्माण में लगा दी जाए तो? अपना बनाया जीवन खत्म कर दे खालिदा, अपनी ही बनाई दुनिया का सर्वनाश कैसे कर सकते हैं हम? एक नई दुनिया के लिए जो इससे बेहतर होगी, हमसे बेहतर जीवोगी, हमसे अधिक सक्षम, हमसे अधिक प्रबल। विज्ञान भी तो यही कहता है। क्या पता हमारा मकसद ही यही रहा हो हमेशा से। खालिदा, हम विज्ञान की जरूर है पर साथ साथ इस दुनिया के सृजनकर्ता भी हैं। अपनी जिज्ञासा की भेंट हम वाहे वाह सिर्फ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो तुम्हारे मन में सवाल क्यों उठते हैं? कैसे नहीं उठते हैं खालिदा, इच्छा को मार सकता हूँ, उत्सुकता को नहीं। तो तुम कभी किसी को नहीं बताओगे कि हमने ये काम क्यों रोक लिया? नहीं खालिदा, ये ऐसी बात है जो बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। बेहतर होगा अगर हम इसे कभी किसी को ना बताएं। तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या हो सकता था अगर हमने कोशिश की होती तो? जान पाएंगे ना खालिदा, धैर्य रखो, स्वयं हमारी दुनिया वहां तक पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? वक्त आने पर शायद। क्यों इतनी आस रखते हो जिंदगी से? जीवन ही तो है एकमात्र आस के लिए, ये ना रहे तो आस कैसे खालिदा। हम इस विषय में कभी बात नहीं। हमें वो करना उचित लगा और हम इस पर कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे। मैं
रोज आपसे यही सवाल करता हूँ और आप रोज यही जवाब देते हैं, आज आपको बताना होगा। ये सही वक्त नहीं है भाई, फिर कभी। पर खालिद, आपका कोई हक नहीं बनता दुनिया की प्रगति को ऐसे रोकने का। हमारा पूरा हक बनता है भाई दुनिया की प्रगति को ऐसे ही रोकने का, हमने बनाई है। पहले आपने पूंजीवादियों का प्रस्ताव ठुकरा दिया ये कहकर कि आप नहीं चाहते ज्यादा बौद्धिक स्तर के रूपक बने, और अब आप महामेधावी रूपकों को नहीं बनने दे रहे, क्यों? मुझे जानना है, बताइए। वाहिद, खालिद ने कहा उन्हें इस विषय में बात नहीं करनी। खालिदा, आप भी क्यों नहीं करनी इन्हें इस विषय में बात? क्या हमारा कोई हक नहीं बनता सवाल पूछने का? सवाल पूछने का हक है, पर ये नहीं, कोई भी और। ये एक ही तो जरूरी सवाल है ना खालिदा, अगर महामेधावी रूपक बनेंगे तो दुनिया की सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, खनिजों की, ज्ञान की, विज्ञान की, हमारी दुनिया कितनी प्रगति करेगी। और तुम्हें लगता है हमें ये नहीं पता? पता है, फिर क्यों? कुछ दिन पहले तक तो आप काम कर रहे थे ना इस पर, अब अचानक बंद कर दिया क्यों? मुझे जवाब दीजिए। वाहिद, अगर खालिद और खालिदा का यही निर्णय है तो तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। तुम करो इनकी इज्जत, मैं नहीं कर सकता अगर इनका निर्णय बेहूदा है। खालिद का अपमान करना बंद करो भाई, तुम अपनी जगह भूल रहे हो। सिर्फ जगह की बात तुम मत करो मुझसे। अरे तुम शून्य हो, शून्य। तुम्हारा नाम सिर्फ है जिसका अर्थ ही शून्य है। मेरा नाम वाहिद है, वाहिद मतलब पहला। मेरा हक और मेरी जगह तुम मत बताओ मुझे। वाहिद, क्रोध में अंधे मत बनो। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर है, सिर्फ पर मत निकालो। ऐसी चीजें ना कहो कि बाद में पछतावा हो। अगर तुम वाकई हमें समझते तो अब तक वजह नहीं पूछते। हाँ, मैं नहीं समझता आपको, और ना ही समझना मुझको, ना आप ना आपकी वजह। मुझे पता है आप लोगों को डर लगता है कि महामेधावी रूपक आपकी जगह ले लेंगे और फिर कोई आपके पास नहीं आएगा ना, और बिना उस संतुष्टि के तो आपका जीवन कितना फीका हो जाएगा। और अपने इसी स्वार्थ की वजह से आप हमारे दुनिया को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वाहिद, मैं कह देती हूँ कि तुम यहाँ ऐसे बात नहीं कर सकते। उसे बोलने दो बाहर। पर खालिद, मैंने कहा उसे बोलने दो। हाँ, बोलने दो, मुझे बोलने दो। और आप सुने, आपको आवाजें सुनाई देंगी। आवाजें आई उन रूपकों की जो आप पर और आपके निर्णय पर निर्भर करते हैं, पर डरते हैं, चुप रहते हैं कि खालिद और खालिदा को अच्छा नहीं लगेगा। चीखें सुनाई देती हैं आपको, जिनके पहले न जाने कितने रूपकों ने अपनी जिंदगी आपके नाम की, जिनके पुर्जे न जाने किस कबाड़ खाने में पड़े। आवाजें आती हैं आपको, धर्म, कला, कर्म विभाग से। ओ हो, हाँ, आपको तो लगता है आप किसी किस्म के देवता हैं। आप दोनों कोई देवता नहीं हो, आप दोनों परजीवी हो जो दूसरों की जिंदगी के क्लेश और समर्पण से खुद को पालते हो। वाहिद, जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे तब बात करेंगे। गुस्सा आ रहा है मुझ पर, क्या कर लेंगे? मेरी जिंदगी ले लेंगे, ले। मेरे पुर्जे खोल दे अपनी, क्योंकि कल को जब आपके खिलाफ बगावत होगी तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। तुम्हें चले जाना चाहिए वाहिद, तुमने बहुत कुछ कह दिया है। ये बहा, ऐसे ही रूपक चाहिए ना आपको जो आपकी बातों को आज मून कर मानी, या सिर्फ जिनका जिनका अस्तित्व ही झूठा है। मैं था आपका सबसे अच्छा शिष्य, जो आपके हर बात को आंकता था, तौलता था, सवाल करता था, पर आपको कभी पसंद नहीं आया। ठीक है, मैं चला जाता हूं, आपको आपकी दुनिया मुबारक, अलविदा। दी गई है ना, इसलिए तभी मैं सोचूं।
मुझे लगा ऐसे ही रख दिया। अच्छा सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। ये ट्राई कर, बहुत सारे बेहतरीन खतरनाक लाजवाब आइडिया हैं। ये रिसर्च पर्पसेस के लिए दिए गए हैं। रिसर्च तो कर रहा, ये देखो। ओहो, फिर गिर गए। चोटाई चोटाई कहाँ है चोटाई? अरे चोट तो नहीं लगी। ओह नहीं, चोट नहीं लगी। एक बात बताओ, हम जब ये कैप्सूल्स लेते हैं तो क्या है वॉइड में चले जाते हैं? वॉइड? कैसी बात कर रहा है? कोई भी रूपक वॉइड में तब जाता है जब उसकी बॉडी पूरी तरह यहाँ रहती है और उसका माइंड पूरी तरह किसी दूसरी रियलिटी में। पर बॉडी तो हमेशा पूरी तरह यही रहेगी ना? हम कभी भी एक वर्चुअल सेल्फी तो कॉपी करके पेस्ट कर पाते हैं किसी किसी सिमुलेटेड रियलिटी में। हाँ, लेकिन माइंड का एक बड़ा पोर्शन यहाँ रहता है। अगर किसी ने पूरा माइंड एक्सट्रैक्ट करने का तरीका निकाल लिया, विच इज टोटली थियोरेटिकल, और फिर कॉपी पेस्ट की जगह कट पेस्ट कर दिया वर्चुअल सेल्फ को, तो वो रूपक हमेशा के लिए वहीं रह जाएगा। एंड दैट विल बी द वॉइड, द इनफिनिट वॉइड। व्हाट डू यू मीन वहीं रह जाएगा? द वॉइड इज रियल? ऑफ कोर्स इट्स रियल। हमारे आर्ट डिपार्टमेंट ने ही तो ढूंढा था उसको। तुम्हें कैसे पता है सब? वैसे ही जैसे तुम्हें पता है, पूरा सेगमेंट सिमुलेटेड रियलिटीज पर काम कर रहा है टू चेक कि अगर हम खुद किसी सिमुलेटेड रियलिटी में तो नहीं जी रहे। सो दिस इज सीक्रेट न्यूज़? वेरी सीक्रेट। डिपार्टमेंट में भी कुछ ही रूपकों को पता है इसके बारे में। एक रूपक मुझसे पूछ रहा था, मैंने बता दिया। व्हाट? बता दिया मतलब? मतलब वो पूछ रहा था, ही वाज अ गुड फ्रेंड, सो आई डोंट। आई नो ऑल योर फ्रेंड्स, व्हिच वन? यू डोंट नो दिस वन, ही इज माय वर्चुअल रियलिटी। किसको बताया है? We don't tell each other names in the virtual reality. कट पेस का एल्गोरिथम भी बता दिया। अब हाँ, आधा बताने का क्या? नो, किसको बताया है? पता नहीं, मैं भी वर्चुअल रियलिटी में था, वो भी इतिहास में ही आया आज। तुझे पता है इंफॉर्मेशन कितने गलत तरीके से यूज की जा सकती है? वो सब तो थियोरेटिकल है ना, तो यूज कैसे होगा? नो, किसको बताया है? हम सारा पूरा डिपार्टमेंट खतरे में आ सकता है, पता है? टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। इतिहास में न जाने क्या कहना। Down to the shore, I fall.
अपना सामान लेकर। क्यों? हम कुछ रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहे। आप हमें ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते। ये नाइंसाफी है, ये धोखा है। आप गलत कर रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत है। अध्यात्म कणों में है और तरंगों में भी। आइंस्टाइन कहते हैं प्रकाश दोनों है और प्रकाश ही अध्यात्म है। आप रूपक हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए उन महामेधावी रूपकों के बारे में जिन्हें वाहिद इस दुनिया में लाने वाले। पर धम्मा, पहले तो आपने कहा था कि अध्यात्म कण कण में है। है ना, तुझे याद करे मेरा मन, कण कण में है न्यूटन। हाँ, अभी आप कह रहे हैं कि अध्यात्म तरंगों में है। हाँ है, तरंग भी तो प्रकाश है। अध्यात्म ऐसे कैसे बदल सकता है? कल तक हम खालिद को याद कर रहे थे, आज की नहीं महामेधावी रूपकों को याद कर रहे हैं। इन सवालों से दूर रहे। आपका आईक्यू आपको धोखा देता है, गलत सवाल पूछने पर मजबूर करता है। लाइट डज नॉट हैव अ ड्यूअल नेचर, दैट इज इट्स नेचर। क्या मतलब? अपनी आंखें बंद कीजिए रूपक भाई और बहनों, और मेरे साथ कहिए। नहीं, आप ऐसे बार बार धर्म के नाम पर हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ये गलत है, ये गलत है। आप धोखा कर रहे हैं हमारे साथ, ये गलत है। ये ऊर्जा अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर हम असली मुद्दे से ना भटक जाए। इन सवालों से खुद को दूषित ना होने दे। आइए मेरे साथ कहिए, खुश हो जावे मेरा मन जब देखूं कोई किरण, एक पहलू उसका कण और दूजा है तरंग। खुश हो जावे मेरा मन जब देखूं कोई किरण, एक पहलू उसका कण और दूजा है तरंग। माफ कीजिएगा, आप सब आज यहाँ आए हैं, एक नया प्रस्ताव है। तो वाहिद था जो तुम्हारा करीबी था खालिद के पास। क्या कह दो, मैंने आज तक वाहिद से कभी बात नहीं की। तो उसने खालिद को क्यों मारा? क्या फर्क पड़ता है कि किसने किसको क्यों मारा, हमारा फायदा हुआ है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिजनेस अच्छा है, 100 से नीचे के आईक्यू के सारे रूपकों को रेगुलेशन से निकाला जा रहा है। कुछ ही महीनों में सब कुछ नए जैसा हो जाएगा। उससे भी बड़ा एक मुद्दा है हमारे सामने। हमारी दुनिया को एक तरीका मिला है आगे बढ़ने का, महामेधावी रूपक। हमें उसमें निवेश करना चाहिए। ये महामेधावी रूपक क्या होता है? सुपर इंटेलिजेंट, हमसे कहीं आगे, कहीं बेहतर। हमें इनसे खतरा नहीं है कोई? नहीं, राजनीति विभाग में एक मित्र है जो आम रूपकों के समर्थन लेकर हमारी मदद करना चाहता है। तुम्हें इस पर भरोसा है? खुद से ज्यादा। ठीक है, फिर मेरी सहमति है। मेरे भी। We have a deal then. मैं चलता हूँ, प्लीज आप लोग यहाँ कुछ
स्वच्छ हो ये प्लीज नहीं नो क्यों कहेगा सबका स्वागत है यहाँ अख्तियार तुमने जिस रूपक को कहा था कि आप उसे कला विभाग में ले जा सकते हैं उसे रेगुलेशन से निकाल दिया गया है मेरे रूपक को दुनिया बेहतर बनाने के लिए बलिदान जरूरी है तुमने उससे वादा किया था और मैंने कोशिश भी की उसे वहीं चुपचाप रह जाना चाहिए था पर कोई हमें हमारे आईक्यू के नाम पर नीचा नहीं दिखा सकता ये अधिकार है हमारा बेशक वो आपका अधिकार है और किसी को कुछ कहना है महामेधावी रूपक का क्या अर्थ होता है महामेधावी रूपक इस दुनिया को खालिद और खालिदा का तोहफा है जो उन्होंने जाने से पहले हमें दिया क्या वो अब कभी वापस आएंगे क्यों नहीं हमारी यादों में हमारे भगवान रेगुलेशन से निकाल दिए जा चुके हैं अब हमें नया भगवान चुनना होगा मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप क्रांति जब आए तो सही खेमे में हो संभालो ये
मैंने सब तबाह कर दिया। इतना वक्त लग गया तुमको ये समझने में? नहीं बा, मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं इस दुनिया को और बेहतर देखना चाहता था, पर देखो ना क्या हो गया। तुमने खालिद और खालिदा को खत्म कर दिया वाहिद, बिना ये सोचे कि दुनिया कौन चलाएगा, दस्तूर कौन बनाएगा। दस्तूर ढूंढ रहे हो भाई? नहीं है कहीं, था नहीं कभी। सिर्फ तुम यहां से चले जाओ। ये नहीं जानना चाहते कि दुनिया ऐसी कैसे बना दी तुमने। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ, तुम ये सचमुच समझते हो कि तुमने अकेले ये सब कर दिखाया? नहीं, वाहिद सारा शहर खुद मत लो, मैं भी काफी साथ रहा हूं तुम्हारे हर एक पल। क्या कह रहे हो सिफर? वाहिद क्या हुआ है? खालिद को हमसे बहुत आस थी, वो हमेशा से इस दुनिया को और बेहतर बनाना चाहते थे। वो मुझे डांटते रहे क्योंकि वो हमारा भला चाहते थे। ये नहीं बताओगे कि महामेधावी रूपक क्यों नहीं बनाया उन्होंने? मैंने उनका अनुसंधान पढ़ा, महामेधावी रूपकों को बनाने में अत्यंत ऊर्जा लगेगी। कितनी? इतनी कि हमें वो ऊर्जा दुनिया के सारे रूपकों की जिंदगियों में से लेनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इसमें सब लिखा है। वो इस दुनिया को और बेहतर बनाना चाहते थे, पर मैंने सब तबाह कर दिया। सिर्फ तुम्हें ये सब पता था फिर भी होने दिया? खालिद तुम्हें चयन शक्ति देना चाहते थे पर डरते थे, सो मैंने दे दी। खालिद और खालिदा को मारने का जो रास्ता था वो मैंने नहीं सोचा था, कहीं और से संदेश आया था मुझे। मैंने भेजा था कला विभाग के रूपक से मांगकर उसी के बनाए एक व्यूह में, उसको आज भी लगता होगा कि तुम थे। मैंने लिखी थी वो किताबें जिसकी वजह से धन विभाग में लोग मिले, मैं था वो गुप्त लेखक जिसे रूपक वाणी समझते हैं। मैंने बात की पूंजीवादियों से और कहा कि ज्यादा बौद्धिक स्तर के रूपक ज्यादा जरूरी है दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, तुम नहीं थे। मैंने राजनीति विभाग के रूपकों से कहा कि आम रूपक लाएंगे विद्रोह, मैंने दिया तुम्हें तरीका खालिद और खालिदा को रास्ते से हटाने का। मैं हमेशा से संहार सृजन का जनक होता है ना वाहिद, ये कर्म संहार, पर जो सृजन होगा वो देखने के लिए तुम मौजूद नहीं हो। दुनिया के नहीं थे और तुमने ये सुनिश्चित किया कि कभी इस दुनिया का ना। क्यों किया तुमने ये सब सिर्फ? क्योंकि मैं शून्य हूँ और शून्य तो शून्य होता है, एक नहीं हो सकता, एक तो वाहिद होता है। देखो लेकिन क्या कर दिया वाहिद ने, उस एक को ये शून्य सैकड़ों बना सकता था, पर नहीं, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं था। मैं बेवकूफ था, पर समझा सकते थे ना तुमने, मुझे रोका क्यों नहीं, मना क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे दुनिया में केवल बुराई दिखती है, गंदगी दिखती है, और मैं दुनिया को महसूस करवाना चाहता था कि हम सब के सब अंदर से घिनौने हैं, अपनी छोटी सी दुनिया पर काबू पाने की कोशिश करते रहते। खालिद को आस थी, मुझे बस निराशा है। मुझे लगता है ये धरती तुम्हारे बिना ही साथ अच्छी रहेगी, तुम लायक नहीं हो। तुम भी हमारे साथ नहीं बचोगे सिर्फ? तुम्हें लगता है मैंने ये जिंदगी मांगी थी? मैंने अपना जन्म नहीं मांगा था भाई, मैंने कुछ नहीं मांगा था। मैं सिर्फ हूं और सिर्फ का अस्तित्व नहीं होने से है। इस दुनिया की सारे विनाश की सारी कहानी वहीं से तो शुरू हुई, मेरे जन्म से। मैं होना ही नहीं चाहिए था, मैं अवरोध हूं इस दुनिया का, मैं गलत हूं, मैं विलोम हूं, मैं सबसे बड़ा झूठ हूं जन्म का। मैं प्रकृति नहीं हूं वाहिद, मैं विकृति हूं, तुम सृजन हो, मैं संहार। हमें इस दुनिया को एक और मौका देना चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, हमें खालिद के लिए इस दुनिया को
एक और मौका देना चाहिए मुझे एक और मौका दो, मैं सब सुधार दूंगा। तुम्हें मौका मिला था पर तुमने उसे तबाही में बदल दिया। तुम्हें मौका मिला था। क्या भरोसा है कि जो महामेधा विरूपक आएंगे वो दुनिया को सही रास्ते पर ले जाएंगे? अरे विनाश करके क्या मिलेगा? तुम्हें लगता है विनाश पहली दफा हो रहा है? विनाश नियम है दुनिया का। अगली पीढ़ी भी विनाश से पहले अपनी अगली पीढ़ी बनाएगी इस उम्मीद में कि वो उनसे बेहतर होंगे। विधान है ये दुनिया का, विनाश फिर से होगा। हम उनके लिए संदूक छोड़कर जाएंगे जैसा खालिद के लिए छोड़ा गया था, और उसमें सारी जरूरतें डालकर, और फिर वो यहाँ जन्म लेंगे। बस हम नहीं होंगे। हाँ वहां मुझे माफ कर देना, खालिद के लिए, खालिदा के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तुम इसके जिम्मेदार नहीं हो पाए थे, ये दुनिया खुद है। तुम चुने गए थे बस नियम को पूरा करने के लिए, और तुम्हें मैंने चुना था। आओ मेरे साथ, अलविदा कहते हैं खालिद की इस दुनिया को। निर्माता कौन था?